किसी भी देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए शहर ग्रोथ इंजन होते हैं। नई तकनीक एवं अभिनव प्रयोग के माध्यम से सस्टेनेबल शहर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से प्रदेश के 7 शहरों को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने तथा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 10 शहरों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के कारण उत्तर प्रदेश को इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में प्रथम पुरस्कार मिला। इसी कड़ी में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एवं नए भारत के विजन को मूर्त रूप देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अमृत मिशन की परिकल्पना की गई। आज देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। विकास की इसी श्रृंखला में प्रदेश के विभिन्न शहरों में 75 बड़े कार्यों। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एवं इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अमृत मिशन के अंतर्गत पेयजल एवं सीवरेज सहित 4,437 करोड़ रुपए की लागत की कुल 75 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। इन विकास परियोजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तथा गुड गवर्नेंस के माध्यम से पूरी दुनिया में अनूठी मिसाल पेश कर रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, बदलता नगरीय परिवेश।